प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक 6 साल की कश्मीरी बच्ची ने ज्यादा होमवर्क मिलने की शिकायत की थी। बच्ची ने भावुक अपील करते हुए कहा था कि छोटे बच्चों को ज्यादा काम नहीं दिया जाना चाहिए। उसकी इस अपील पर शिक्षा विभाग ने अमल कर दिया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस के टाइमिंग और होमवर्क का जिक्र किया है। 6 साल की बच्ची कोरोना काल में लंबी ऑनलाइन क्लासेस और शिक्षिकाओं द्वारा दिए जाने वाले होमवर्क से तंग आ गई थी, इसलिए उसने पीएम मोदी से भावुक अपील की थी। बच्ची का वीडियो वायरल होने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट करते हुए कहा था कि स्कूली बच्चों पर होमवर्क का बोझ कम करने के लिए शिक्षा विभाग ने 48 घंटे के भीतर नीति बनाने का निर्देश दिया। जी हाँ, मनोज सिन्हा ने शिक्षा विभाग द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी। उन्होंने बताया है कि बच्ची की क्यूट अपील को ध्यान में रखते हुए कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि प्री प्राइमरी के बच्चों की क्लास दिन भर में 30 मिनट से ज्यादा नहीं होगी। इसी तरह पहली से आठवीं तक की कक्षा 1.5 घंटे के अधिकतम 2 सत्रों में होगी। इसके अलावा क्लास 5 के बच्चों को होमवर्क नहीं देने की बात भी कही गई है। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने एक अन्य ट्वीट में लिखा है कि हमारे बच्चों को खेलने, माता पिता के साथ बातचीत करने के लिए और अधिक समय चाहिए, जो एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा सीखने का अनुभव हो सकता है। इससे पहले बच्ची के शिकायत पर उन्होंने कहा था कि बहुत ही मासूमियत भरी शिकायत है, स्कूली बच्चों पर होमवर्क का बोझ कम करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को 48 घंटे के भीतर नीति बनाने का निर्देश है। बचपन की मासूमियत भगवान का उपहार होता है और उनके दिन जीवंत आनंद और आनंद से भरे होने चाहिए। वहीं बच्ची ने वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री से होमवर्क कम करने की अपील की थी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।